खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की सियासी स्थिति साफ हो चुकी है। मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना और भाजपा को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। इस हार पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा जनादेश का सम्मान करती है, वहीं उन्होंने कांग्रेस को लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया है। KS चौहान ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अनैतिकता की हद पार कर दी, अनैतिक दुष्प्रचार की जीत हुई, लोकतंत्र की पवित्रता पर डाका डाला गया है। कांग्रेस ने जनता को छलने का प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। ना ना ना, 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 ना। भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जितने वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, इस चुनाव में 7000 वोट, लगभग 7000 वोट ज्यादा मिले हैं खैरागढ़ में। और आप अगर बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पे जीती है, अपने कामों के दम पे जीती है, तो बिल्कुल नहीं। वो अपनी घोषणाओं के दम पे जीती है। घोषणा कांग्रेस पार्टी की नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी की। अगर यही एक आम चुनाव होता, कांग्रेस पार्टी अगर घोषणा करती, तो वो उस घोषणा पे बिल्कुल कोई विश्वास ही नहीं करता। और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की जिले की, वो वोट डालने के पहले ये कभी नहीं बोल पाए वो लोग कि हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी हारती भी है तो भी हम जिला बनाएंगे। अगर वो ऐसा तो वो लड़ने से पहले ही हार चुके थे। और वो इनको मालूम है कि हम खुद अपने बलबूते पे कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कामों के दम पे नहीं जीती है, सत्तारूढ़ पार्टी जीती है। और सत्तारूढ़ पार्टी की जो घोषणा थी, वो घोषणा के आधार पे वो जीती है। आने वाले 1.5 साल के बाद जो चुनाव होगा, उसमें खैरागढ़ की जनता माकूल जवाब देगी। उनको जो अपना काम निकालना था, वो उन्होंने निकाल लिया है। अब उनको जवाब मिलेगा कि कौन सी पार्टी बेहतर है, और आने वाला 1.5 साल अपने आप बता देगा।